come and take a look at the exhibition, because both of the finest pieces of jewelry or her antique pieces, ranging from your traditional jewelry to diamonds to polki. So I enjoyed. Rakul, how does it feel like, you know, when कोई एग्जीबिशन होता है, इनॉग्रेशन आपके हाथ में होता है, बिकॉज़ इट्स एक शुभ काम होता है, तो हाउ प्रिविलेज यू फील? आई फील वेरी ग्रेटफुल, आई फील वेरी थैंकफुल, ब्लेस्ड कि यू नो गॉड ने वो अपॉर्चुनिटी दी है, एक वो प्लेटफॉर्म दिया है. यू नो हुआ भी, आई रियली फील लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है कि हम बुलाकर बोलते हैं कि आपके लकी हैंड से ओपनिंग करे, बट आई डोंट थिंक वी हैव एनीथिंग एंड इट्स ऑल गॉड्स प्लेस. आई जस्ट फील वेरी हैप्पी. थैंक यू. एंड ग्लैमरस दिखना रकुल जी के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? अभी ग्लैमर इंडस्ट्री में है तो ग्लैमरस दिखना तो इम्पोर्टेंट होता है, बट आई फील यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लैमरस. अगर आप जो पहन रहे हैं और उसमें आप कंफर्टेबल हैं एंड एंड तो आप स्टाइलिश भी लगेंगे, ग्लैमरस भी लगेंगे और फैशनेबल भी लगेंगे. इसके अलावा वो ऐसा कौन कौन सा मौका होता है रकुल जी जब आप सोचती है कि नहीं आज मेकअप नहीं करना है, नहीं मेकअप से थोड़ा देर हो? मुझे अनलेस आई एम शूटिंग, जब आप मुझे ऑफ ड्यूटी पैप्स में देखेंगे या कभी पकड़ लेते हैं, सो आई बेली वुड हैव मेकअप एंड आई थिंक दैट्स द वे आई एम. मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है अगर मेकअप नहीं करूँ. आप ज्वेलरी एग्जीबिशन में आए, बट देन यू आर नॉट वेयरिंग एनी ज्वेलरी. आई हैड टू ट्राई सो मेनी अदर स्टोर्स, तो मैं हर स्टोर पे ज्वेलरी पहनी है. So, और गिफ्ट भी मिले, तो मैंने एक्चुअली मैं ऐसे ऐसे चली गई बिकॉज ताकि लोग देखे और बोले चलो इसको थोड़ी सी ज्वेलरी गिफ्ट कर देते हैं. So there are lots of different kinds of jewelry these days. Like, you know, what kind of jewelry you prefer, and any particular jewelry piece what you must have bought with your own money? Like, you know, that yes, might be yes. something very. I love rings. और बहुत minimalistic style है मेरा jewelry का. I generally don't like to load myself up. तो अगर मैंने earrings पहने होंगे तो neck नहीं पहना होगा. या rings are something I really like. और chokers मुझे बहुत पसंद. इसके अलावा रकुल बैक टू बैक एंडोर्समेंट कर रही है, फिल्में कर रही हैं, और काफ़ी एक्ट्रेसेस की ये दौड़ है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ जाती? आई फील मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे काम करने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए तो काम करना शुरू किया था. हु लाइक्स टू सिट फ्री एंड देन कॉल देमसेल्फ्स एन एक्टर. आई फील आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ज़्यादा काम हो तो अच्छा है, डेट ना हो तो अच्छा है, बट आई डोंट वॉन्ट टू सिट एट होम एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि ऐसा मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है कि मुझे काम ज़्यादा काम अच्छा है. एंड नोबडी इज़ फोर्सिंग मी टू डू द वर्क दैट आई डू. आई थिंक आई लिव फॉर माई वर्क एंड मेरा ट्विटर का हेडर कहता है बिल्ड अ लाइफ यू डोंट नीड अ वेकेशन फ्रॉम, एंड दैट्स व्हाट आई एम लिविंग. रकुल, यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑल्सो. ज्वेलरी हर एक औरत का यूनिक शौक होता है. सीइंग द वुमन एम्पावरमेंट ऑल्सो, लाइक वॉट इज योर मैसेज टू ऑल द पीपल हु आर देयर लाइक एज अ यू नो ब्रांड एम्बेसडर, क्या कहोगे? सी, ज्वेलरी और बेटी बचाओ में नहीं, इट्स अ डिफरेंट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू वुमन एम्पावरमेंट. हर एक चाहता होगा कि मैं भी एक पीस ऑफ ज्वेलरी लूँ, तो वॉट एवर लाइक यू फील, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट. माय मैसेज टू एवरीवन ऑन लार्ज country, क्योंकि मैंने बहुत सीरियसली केसेस देखे हैं. आई एम इंटरेक्टेड विद पीपल हु हैव गॉन थ्रू अ लॉट, बट ईच वन ऑफ अस वेदर अ मैन और अ वुमन और अ चाइल्ड, जिसको भी अवेयरनेस है, वी शुड ट्राई एंड स्प्रेड द थॉट ऑफ इक्वालिटी एंड लोगों को अवेयर कराना चाहिए कि आज के टाइम में लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है. मैंने लुक एट द डिज़ाइनर, सो मेनी वुमेन वर डूइंग सो वेल इन एवरी फील्ड. यू नो इट्स नॉट ओनली जस्ट होम मेकर्स, तो सबको इक्वालिटी प्रॉफिट करनी चाहिए. राकुल, रेनी सीजन चल रहा है, रेनी सीजन में राकुल खुद को कैसे कैरी करना पसंद करती है? और राकुल रेन्स में से भाग जाना पसंद करती है. What's the next project coming up and how excited are you? I have Hindi mein Marjama is releasing in October, and I have signed another film which I'll announce soon, which will start in December. Aur Telugu mein I have a release coming out with Nag sir, and I'm doing Shankar sir's film Indian, in Tamil. Indian film ke baare mein how much are you excited? Definitely people very, want. Yeah. Very excited because Shankar sir is you know huge, and I mean, I think it's a lovely opportunity for me. I'm very thankful ki mujhe unke sath kaam karne ka mauka mil raha hai, itne you know at such a young age. Rakul, Bollywood
बॉलीवुड इंडस्ट्री एक फैमिली की तरह है और आज इस तरह के हालात में कि पीएम तक को लेटर लिखना पड़ता है, तो उस पर आपका क्या टेक है? कुछ एक ग्रुप ने 49 ग्रुप था जो मॉम ब्लीचिंग को लेकर उन्होंने पीएम को लेटर लिखा, उस पर आपके क्या थॉट है? और उसके अपोजिट पे मधुर भंडारीकर कंगना रनौत उन्होंने लेटर लिखा, तो क्या थॉट है आपके मॉम ब्लीचिंग को? मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी. इट्स अ वेरी यू नो पर्सनल टेक टू ईच द रोल और मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी. She doesn't have background, she's excited to work, she's very very happy about the fact that she doesn't get time and she is looking forward to more work and she's doing extremely well. So she's God's child, she's blessed. Aaj jo success upar wala deta hai uski value karna aur mehnat karna aur encouragement lena aur ye kehna mujhe aur kaam do, itni positive thought wali actress to new age ki mujhe koi dikhi nahi hai, maine suna nahi hai. And she's so planning, inko bahut success milni chahiye because she is setting up an example for people who give up or feel ki nahi hame background chahiye, hame koi you know god's god child god's ka godfather chahiye ya hame koi kai ke launch chahiye. Inhone mehnat kari hai aur wo bhi Sikh ladki hote hue Tamil jaake unki language seekh ke wahan pe rule karna industry mein, fir pehli movie Ajay Devgan ke sath hit dena, fir dusri hit, uske baad I think she is very very she deserves everything whatever she's earned everything. You're breaking the norms of nepotism, you can say. No. I would not say, I'm not here to break or make anything. I want to make a good career of myself. I want to do credible films. I want to do good films. And I have always believed ki blame game khelo ya to ki nepotism hai ya phir kaam kar lo. I know it's at the end of the day, only if you're good do you sustain in the industry. Yes. And I think that's been seen over the last few years and I mean ever since. Very well, you know. Yes. So you really have to have the hard work. Aur agar aap mein talent bhi thoda sa bhi kam hai to aap hard work karke usko seekh sakte hain, but agar aap mein positive thought hi nahi hai and apne upar self confidence hi nahi hai, so then I don't think, you know, I mean then you can just play the blame game ki nepotism hai. I mean if my dad was a producer to wo karte, but agar mujhe army mein jana hota to wo mujhe help karte, but well you know nahi hai, so I don't think it really matters. बट बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता बॉलीवुड में नेपोटिज्म को जगह दी गई है? अगर आपके डैड सबसे बड़े प्रोड्यूसर होते हिंदी के और वो बोलते जाओ बेटा बाहर जाके काम ढूंढो, तो वो करेक्ट होता? या अगर मुझे आर्मी में जाना होता तो मेरे डैड मुझे बताते कि हाँ बेटा एनडीए में ऐसा होता है और वहाँ पे होता है. सो आई थिंक इट्स नॉट योर डिसीजन इन द फैमिली दैट यू आर बॉर्न, एंड ऑफ कोर्स इट्स बट नेचुरल दैट योर पेरेंट्स और योर रिलेटिव्स विल हेल्प यू, बट लाइक आई सेड व्हाट्स गोना मैटर इज हाउ टैलेंटेड यू आर. Hard work might be little more, but you don't value your work other hard work now. I don't